गाजियाबाद में बदमाशों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार सत्यम नाम का युवक आनंद इंडस्ट्रियल एरिया में पीएनबी बैंक से पैसे निकाल रहा था, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने आनंद से पैसों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इसकी जानकारी सत्यम ने डायल 100 पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। जहां एक ओर गाजियाबाद पुलिस रोजाना एनकाउंटर पर एनकाउंटर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाश दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बाइक थी, पल्सर बाइक थी, ब्लैक कलर की। अच्छा, दोनों ने एक बाइक चला रहा था, एक ने हेलमेट पहनी हुई थी, पीछे वाले ने नहीं पहनी हुई थी। अच्छा, पीछे वाला ओपन था? पीछे वाला ऐसी था। अच्छा, कुछ भाग कर लोगों ने, आपने शोर और मचा रहा है, क्या हुआ? हाँ जी सर, हाँ जी, यहाँ से उतर के पैदल आ रहे थे, तो उधर से आ रहे। अच्छा, इधर से कार से गए हुए थे, कार में साथ में लोग थे, कार में एक ड्राइवर था, क्या नाम है, क्या लगता है? आपने उसको कुछ देर पीछे भी किया था? हाँ, तो भाग तो उसके पीछे। अच्छा, थाना साहिबाबाद क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी आज बैंक से पैसे निकाल के वापस आ रहा था। जब वो फैक्ट्री के पास पहुंचा और अपना एक थैले में था 2.5 लाख रुपए, पीछे से दो बाइक सवार युवक आए और उसका थैला छीन कर लेकर भाग गए हैं। पूरा मामला है कहाँ? ये यहाँ साहिबाबाद क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और इन्हीं में से एक फैक्ट्री के कर्मचारी के साथ आज ये लूट की घटना हुई है। इस पर मुकदमा लिखा जा रहा है थाने में और हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही इसको हम वर्कआउट करेंगे।